कैसे जी आप सब लोग, उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत जबरदस्त सा एक नया फेशियल उस पर हम करेंगे आज रिव्यू। मैं भी आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। कंपनी है जी वाइटन्स की कंपनी की, इसकी मैंने थिनर यूज़ किया है, इसका मैंने अर्जेंट फेशियल यूज़ किया है, उस पर मेरी वीडियो है अर्जेंट फेशियल पर, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत क्यूट क्यूट से लगे थे मिनी फेशियल्स, तो मैंने सोचा मैं इसको खरीद लेती हूँ। होता यह है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा जार खरीद लेती थी बड़े बड़े, और वो साल डेढ़ साल खत्म नहीं होते थे, तीन तीन साल तक हर फेशियल एक्सपायर नहीं होता, लेकिन वो खत्म होते नहीं थे और मैं थक जाती थी उनको इस्तेमाल कर करके। तो एक डेढ़ साल से मैंने ऐसा सोचा कि मैं जो हूँ छोटे छोटे से लेकर आया करूँगी और इनको चार पाँच महीने लगा के इस्तेमाल किया करूँगी, इनको खत्म किया करूँगी, फिर हम नेक्स्ट फेशियल की तरफ मूव किया करेंगे, ठीक है। तो ये है जी वाइटन्स का, इसमें जो छह प्रोडक्ट थे, पैकिंग में आया था टिकटॉक पर, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, पैकिंग में छोटी सी पैकिंग में आया था। इसमें क्या होता है, या तो ये छह प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह की छह क्रीम्स होती हैं, या तो फिर ये चार क्रीम्स होती हैं और दो जो होते हैं ब्लीच होती है, मतलब पॉलिशर होता है, एक हमारा वॉल्यूम होता है और एक हमारा पाउडर होता है, हम दोनों को मिक्स करके आप ब्लीच भी बना सकते हैं। मेरे पास ब्लीच ऑलरेडी थी तो मैं यूज़ नहीं करती ब्लीच, तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ, उसके बाद में खुली जो है इसकी जो ब्लीच की अलग से जो इसकी जार्स आते हैं मैं वो खरीद लूँगी, बोतलें आती हैं, जिस तरह से अर्जेंट फेशियल की आपने बोतल देखी थी मेरे पास, उसी तरह की उसकी भी बोतल होती हैं ब्लीच की। तो यहाँ पर जी है मेरे पास जो चीज़ें हैं उनके आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले है मैंने जो उठाई है हाथ में, उस तरह से बताऊंगी, क्ले मार्क्स है, स्किन पॉलिश है, और हैंड एंड फुट फेशियल है, जो हाथ और पाँव का आप इस पर फेशियल कर सकते हैं, और मसाज क्रीम है, डबल एक्शन क्लींजर है, और फेशियल स्क्रब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जी स्टार्ट करेंगे अपना फेशियल मसाज क्रीम से। तो फेशियल जो है आप साथ साथ देखते हैं, मेरी स्किन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मैंने फेस वॉश किया है, ब्लीच नहीं की। मैं सबसे पहले फेशियल को पता कैसे चेक करती हूँ ब्लीच के बगैर, सबसे पहले मैं फेशियल को चेक करती हूँ कि ब्लीच के बगैर इसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ब्लीच के बाद तो हर चीज़ का ही अच्छा रिजल्ट आता है। होता यह है कि हमारे बाल गोल्डन हो जाते हैं, हमारे जो मार्क्स होते हैं वो डिम हो जाते हैं, तो हमारा ब्लीच के बाद हम कुछ भी स्क्रब कर लें, मुंह पे कुछ भी क्लींस कर लें, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन फेशियल ब्लीच के बगैर किसी चीज़ को टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप ब्लीच ना करें, डायरेक्ट उस क्रीम्स को यूज करें और रिजल्ट देखें क्या आया, ठीक है। तो ये मेरी स्किन है आप लोगों के सामने नीट एंड क्लीन, तो इस पर हम करेंगे फेशियल्स और वो आप लोग उसकी वीडियो देखें। यहाँ जी सबसे पहले मैंने फेस पे लगाई है मसाज क्रीम, स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल है, बिल्कुल मतलब कि ना फ्रेश स्मेल है इसकी। अच्छा यहाँ पे इसमें पिक्चर उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने आधे टीस्पून से ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, वन एंड हाफ टीस्पून से ज़्यादा इस क्रीम को नहीं लेना। मैंने तो खैर वन एंड हाफ टीस्पून से बिल्कुल, तो टीस्पून बिल्कुल छोटा होता है, अपने मुँह के मुताबिक मैंने इसको खैर ले लिया है। उन्होंने कहा है 10 मिनट आप लोगों ने इसमें मसाज करना है, फिर रिमूव करना है। तो मसाज शुरू करते हैं और जब रिमूव करूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा मसाज आप लोगों ने ना मसाज के स्टेप्स फॉलो करके करने हैं, जितने अच्छे आप फेशियल के अपने स्टेप्स रखेंगे उतना अच्छा जो है आप लोगों को रिजल्ट आएगा। तो इसको जो मसाज की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, मसाज करने का तरीका बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। इस तरह से आपने अपनी स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर आपने इस तरह से फेशियल करना है। फेशियल करने का मतलब ये होता है, एक तो हम उसको क्रीम को लगाएंगे, क्रीम जो है हमारे डर्ट पोल्यूशन स्किन से निकालेगी, और जब हम अपनी हाथों की इसी मूवमेंट के साथ इसको हम मसाज करेंगे तो हमारे जो एक्सप्रेशन फेशियल्स है ना शार्प होंगे, मतलब ये जो हमारी जो लाइन है, नोज है, ये चीक्स हैं, ये शार्प होंगे। फेशियल का मकसद ये होता है कि इन सब चीज़ों को शार्प करना, शेप में लाना, एक अच्छी सी शार्पनेस लुक बनाना, ठीक है। हम इसको फेशियल करते जब रिनीट करूंगी जी, तो मसाज हो चुका है, क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब करना आपने। मैं 5-5 मिनट नहीं करती, मेरा होता है सिर्फ 2 से 3 मिनट, क्योंकि 5-4 क्रीमें लगानी होती हैं तो 2 से 3 मिनट काफ़ी होते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा रगड़ के मसाज करती हूँ ना तो मेरी जो ये हड्डियाँ ना ये दुखने लग जाती हैं। तो इसको मैंने नीट कर लिया है, रिजल्ट आपके सामने है एक क्रीम का, और गर्दन पे भी करना है, गर्दन को साथ साथ नहीं भूलना, बीच में आपने फेस को और गर्दन का थोड़ा सा स्टे लेके अपनी फिंगर्स पे कर लेना है, फिर ये होता है हमारे हाथ और मुंह बराबर से साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्रीम लेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास डबल एक्शन, ये जिसका क्रीम है, और बहुत प्यारी खुशबू के साथ लाइट लाइट सा इसमें पिंक कलर है, व्हाइट कलर है, पिंक और व्हाइट का मिक्सचर है। तो ये मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, इसका मसाज शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका भी यही लिखा हुआ है कि 1.5 चम्मच आपने लेना है, 1.5 टीस्पून आपने लेना है, और 3 मिनट मसाज करना है, और 3 मिनट गीले हाथों से मसाज करना है, और 3 मिनट सूखे हाथों के साथ, मतलब अभी जो मसाज है 3 मिनट का वो इस फिंगर्स के साथ करेंगे हम, बगैर पानी लगाए कुछ लगाए, और 3 मिनट हम गीले हाथों के साथ मसाज करेंगे। तो इस मसाज क्रीम का मैंने मसाज पूरे 6 मिनट किया है टाइम देख के, लेकिन पूरे 3 मिनट जो है ड्राई फिंगर्स के साथ मसाज नहीं हो सका क्योंकि क्रीम सूखने लगी थी, तो मुझे 3 मिनट से पहले ही हाथ जो है अपने गीले करने पड़ गए थे। तो ये भी इसका रिजल्ट जो है ये है। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे स्क्रब, और स्क्रब को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसका बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें भी वही लिखा हुआ है कि 3 मिनट मसाज आपने ड्राई फिंगर से करना है और 3 मिनट वेट फिंगर से करना है। तो मसाज करते हैं, इसका मसाज भी पूरे 6 मिनट हुआ है। अब इसको हम रिमूव करेंगे। अच्छा जब मैंने वेट हाथ किए थे तो मैंने कुछ भी एलोवेरा जेल या कोई भी चीज़ नहीं लगाई, पहले कभी
मैं वेट करती थी एलोवेरा जेल के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बता रही हूँ कि जब भी मैंने कोई चीज़ नई ट्राई करनी होती है तो मैं उसको सिंपल तरीके से ट्राई करती हूँ, उसका रिजल्ट चेक करती हूँ, फिर उसके बाद उसको किसी और चीज़ में मिला के और बहुत बेहतर रिजल्ट के साथ ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर जी स्किन आप लोगों के सामने है तीन क्रीम्स के साथ टाइम देख के मसाज किया तो रिजल्ट और लग रहा है। मैं हमेशा 1 से 2 मिनट बाद उतार देती थी, थोड़ा सा मसाज करती थी और उसको उतार देती थी। अब टाइम के साथ मैंने 3 क्रीम्स का मसाज किया है तो आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने स्किन पॉलिश को क्या करना है, अपने फेस पे लगाना है और लगाने के बाद छोड़ देना है। 1 मिनट मसाज करना है, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर आपने 5 मिनट मसाज करना है। तो हम एग्जैक्ट ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके को फॉलो करेंगे ताकि कोई भी चीज़ आप खरीदें, कुछ भी करें, उसके पैसे तो पूरे होना, पैसे या टाइम अगर आपने जहाँ पे 3 मिनट करना है वहाँ पे 5 मिनट कर लें, ताकि उसका आपको जिस तरह से रिजल्ट ये लोग बता रहे हैं उस तरह से रिजल्ट तो आए ना। अच्छा, ये 450 का है फेशियल क्रीम ने, मैंने आप लोगों को इसकी प्राइस नहीं बताई थी, मैं भूल गई थी, इसकी 450 रुपये इसकी प्राइस है और मज़ीद कम करवाना आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना करवा सकते हैं। मैंने 2 चीज़ें ली थी इसलिए मुझे याद है, 1 450 की ली थी, 1 700 की ली थी, इसलिए मुझे इसकी प्राइस पता है। ये जी यहाँ पे लग चुका है स्किन पॉलिश, इसमें उन्होंने लिखा है 1 मिनट छोड़ने का, नहीं छोड़ने का नहीं लिखा, उन्होंने कहा लगाने के बाद 1 मिनट मसाज कर दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो आप लोगों के सामने मसाज कर लेते हैं 1 मिनट तक, मैं इसका मसाज कर लूँगी 1 मिनट तक और 10 मिनट तक इसको छोड़ दूंगी, फिर 5 मिनट बाद मसाज। यहाँ पर जी मैंने 100 फुट वाला स्क्रब लगा लिया है क्योंकि 10 मिनट इसको भी छोड़ना है, तो जब तक मेरे फेस पे अपनी स्किन पॉलिश छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, मैं 10 मिनट के लिए पाँव पे इसको भी छोड़ देते हैं और उसके बाद इसका मसाज करना है, हल्का सा बिल्कुल मसाज करना है 1 से 2 मिनट का, उसको वॉश कर लेना है। हाथों पे नहीं लगाया क्योंकि हाथों पे भी क्योंकि टाइम के वो मैनेज नहीं होगा, 10 मिनट इसके 10 मिनट फेस के, और फिर अभी हाथों पे भी लगाऊंगी तो मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉम पे लगा लिया है। मेरी स्किन पॉलिश हो चुकी है रिमूव क्योंकि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसकी वजह से मुझे स्किन पॉलिश जो है अपनी रिमूव करनी पड़ी। तो स्किन पॉलिश के बाद ये रिजल्ट है, पूरे 10 मिनट मैंने उसको अप्लाई करके रखा, फिर पूरे 5 मिनट मसाज किया है और फिर उसको उतार लिया है। अब लास्ट जो है हमारा क्ले मार्क्स है, क्ले मार्क्स अप्लाई करेंगे और उसको वॉश करेंगे। यहाँ पर जी मैं क्ले मार्क्स मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट होता है, जिस फेशियल में क्ले मार्क्स होता है ना वो तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद होता है, मड मार्क्स से ज़्यादा मुझे क्ले मार्क्स अच्छा लगता है। तो ये चीज़ इसको लगाते हैं, हम पहले ढक्कन पे जो लगा हुआ था हमने कहा वो साफ कर लेते हैं, फिर उसको लगाएंगे बारीक बारीक लगाएंगे क्योंकि सर्दी है, फैन ऑन नहीं है तो ये सूखने में देर लगाएगा। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ क्या था वो मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा है इसको ड्राई की चीज़ के साथ आपने वॉश करने का सिर्फ बताया है कि ड्राई स्पंज के साथ इसको वॉश करना है, पानी से उन्होंने धोने का नहीं कहा। तो हम इसको टिश्यू के साथ जो है क्लीन करेंगे आप लोगों के सामने, तो इसको लगाते हैं, इंतज़ार करते हैं इसका। मैं वैसे भी मार्क्स तब रिमूव कर लेती हूँ जब मार्क्स 80% सूख जाता है, तो मैं उसको रिमूव कर लेती हूँ। तो जी ये लग चुका है मार्क्स, किसी भी चीज़ ने मुझे इरिटेशन भी दी, किसी चीज़ से मुझे जलन नहीं हुई। स्किन पॉलिश यहाँ पे मुझे खारिश थी सुबह के टाइम, मैंने यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से खुजा लिया था, तो स्किन पॉलिश जो मैंने यहाँ लगाई तो उसने लगते ही मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि यहाँ पे हल्की सी जलन है। तो अभी इंतज़ार करते हैं, और लगा हुआ था उसको मैंने स्क्रब किया, अच्छे से मसाज किया और उसको जो है रिमूव कर लिया। यहाँ पे सामने है पाँव का रिजल्ट और हाथों पे जो है हम अब लगाएंगे, क्योंकि जब तक फेस पे मार्क्स लगा हुआ है वो ड्राई होगा तब तक हम हाथों पे लगा लेंगे। ये है जी पाँव का रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने। जब मेरे पाँव वैसे नीट एंड क्लीन होते हैं, मैं 2 से 4 दिन अगर इस पर स्क्रब शुरू कर दूँ ना डेली, अगर स्क्रबिंग करनी शुरू कर दूँ तो मेरे पाँव और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जगह नहीं, मेरी अंगूठे वाली चप्पल से इस तरह की थी, अब मैंने अंगूठे वाली चप्पल छोड़ दी है, दूसरी चप्पल शुरू की है, तो उसकी वजह से अभी ये हो गया है क्योंकि मैं चप्पल के बगैर बिल्कुल भी नहीं फिर सकती। ठीक है, तो अब इसको हमने इसको नीट एंड क्लीन, वैसे भी सॉक्स पहनने का मौसम आ रहा है तो हम क्रीम लगाएंगे, सॉक्स पहनेंगे तो हमारी ये जगह भी जो है क्लीन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे निशान है और बाकी सारा पाँव साफ है। लगाया है क्योंकि मेरे नेल्स लंबे हैं और लगाते हुए मेरे नेल्स में जा रहा था, तो अब 10 मिनट बाद इसको जो है हम रिमूव करेंगे, मतलब थोड़ा सा स्क्रब करेंगे फिर रिमूव करेंगे इसको और फेस पैक को हम इकट्ठे रिमूव करेंगे। जो है हमारा ड्राई हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये ड्राई स्पंज या ड्राई टिश्यू के साथ उतरेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। हल्का सा जहाँ से गीला था वहाँ से तो उतर रहा है और जोर काफ़ी लगाना पड़ रहा है, दर्द हो रही है, तो हल्का सा हम गीला कर लेते हैं फेस अपना क्योंकि ड्राई नहीं उतर रहा। तो जल्दी जल्दी से इसको उतार लेते हैं।
क्योंकि पानी से तो उसको बाद में वैसे भी धोना ही है, तो ये ड्राई उतारने का शायद मकसद ये हो कि स्किन में से हमारी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स खुद ही निकल जाए। तो जी जितना मैं उतार सके उतना मैंने उतार लिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी जलन हो रही है। और हाथों पे हम करेंगे स्क्रब और हाथों को करेंगे वॉश, और ये सब कुछ करके फिर आपसे मिलेंगे। फेस को भी वॉश करेंगे, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट दूंगी, और लास्ट पे कुछ दो ज़रूरी बातें हैं वो भी इसका रिव्यू भी बताऊंगी। जी तो फेस मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, साबुन नहीं लगाया, हाथ भी वॉश हो गया, स्क्रब किया 3 मिनट और अपने हाथों को जो है वॉश कर लिया। अब मैं आपको रोशनी में बिल्कुल लाइट के नीचे खड़े होकर दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, रिंग लाइट में भी दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रब के बारे में। अच्छा, जो इसका फेस का जो स्क्रब था ना, जो मुझे चीज़ आप लोगों को बताने की याद नहीं रही वो ये थी कि इसका जो फेस का स्क्रब था वो इतना पाउडर फॉर्म में था, मकसद जैसे पार्टिकल्स होते हैं आप देखा होगा, जैसे स्ट्रॉबेरी स्क्रब होता है, एप्रिकॉट स्क्रब होता है, उसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे मोटे होते हैं, और इसका जो स्क्रब था ना फेस वाला, उसके पार्टिकल इतने बारीक इतने बारीक इतने बारीक फेस पे लग रहा था, और पता चला था कि पार्टिकल किसी एक जगह पर नहीं लग रहे, पूरे फेस पे इक्वली लग रहे हैं। और जिसका हैंड एंड फुट स्क्रब है, हैंड एंड फुट स्क्रब इसका ऐसा है जिस तरह से मार्केट में आप लोगों को स्क्रब मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी स्क्रब मिलते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब मिलते हैं, इस तरह का मिलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें मुझे ऐसा लगा स्मेल से इसमें पेस्ट डला हुआ है, क्योंकि पहले काफी पहले मैं पेस्ट के साथ हाथों और पाँव का एक मास्क बनाती थी, वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्टार्टिंग की वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसका जो स्क्रब था ना, मुझे ऐसा लगा कि उसमें पेस्ट मिला हुआ है। और बाकी जो इसका रिजल्ट है मैं आपको रोशनी में जाकर दिखाती हूँ पीछे खड़ी होकर। तो ये है जी सिंपल लाइट के नीचे, मैं बिल्कुल लाइट के नीचे खड़ी हुई हूँ, ये है इसका रिजल्ट लाइट के नीचे, ठीक है। और ब्लीच करके इसका रिजल्ट कुछ हो रहा, ज़्यादा शायद चमक जाएगा, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब कुछ निशान वगैरह से मुझे यहाँ पे कि 3 डॉट हैं, ये देखिए एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का जो डॉट है शायद वो ब्लीच करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। मैं आपको उसका रिजल्ट रिंग लाइट में भी दिखाती हूँ, रिंग लाइट मैंने टाइम से पहले लगा ली थी ताकि मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखा सकूँ। तो ये है जी इसका रिजल्ट रिंग लाइट में, ठीक है। यहाँ पर दरमियान में हम लगाएंगे लाइट के मोबाइल, और ये है इसका रिजल्ट। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके चेंज भी करके दिखाऊँगी, ये होगी सनलाइट जैसा हो गया, और ये हो गया वार्म, ठीक है। ये हो गया सिंपल रिंग लाइट जो सब लोग यूज़ करते हैं, ये सन और ये वार्म, ठीक है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये जिसका रिजल्ट था, अगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, सिंपल सा एक प्रोडक्ट है, सिंपल सी चीज़ है, उसका रिजल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन वाले, नॉर्मल वाले, ड्राई वाले, सब लोगों के लिए ये फेशियल है। और रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, फेशियल का पता चलता है आपकी नाक से और आपके फॉरहेड से। और दूसरा, फेशियल जब इरिटेट करता है वो फेशियल हर किसी के लिए नहीं होता। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल सी इनकी प्राइस हैं। तो ये है इसका रिजल्ट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।